बहुत ही कड़वा जूस पीना पड़ा। किस चीज़ का जूस था? एक्चुअली घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे, तो इस चक्कर में मतलब क्योंकि फ्रूट बहुत महंगे हो गए हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो थोड़ा कटौती कर रहे हैं। पर फिर भी हमारी सासू माँ इतनी क्यूट है कि वो कहती है बेसिकली हमें पहले अनार का जूस दिया जाता है, अनार और सेब का, जो इतने दिनों से दे रहे हैं, बट आज क्योंकि हमारे घर में फ्रूट खरीदने के पैसे नहीं थे तो उन्होंने गाजर का जूस दे दिया। पर सासू माँ डांटती है दुलारी दीदी को कि गाजर का जूस नहीं देना है क्योंकि गाजर का जूस कड़वा होता है और हमारी उनकी प्यारी बहू रानियाँ जो हैं वो अच्छा अच्छा खाना खाएंगी, अच्छा अच्छा सब कुछ, अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी जूस पियेंगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो मतलब सासू माँ इज़ वेरी क्यूट बेसिकली और वो हमसे बहुत प्यार करती है, ये नहीं चाहते कि सासू माँ को बुरा लगे कि हम, इसलिए हमने आपस में कड़वा जूस पी लिया लेकिन ये नहीं दिखाया कि वो कड़वा था। हाँ, अब बस आपस में आई थी शेयर किया कि वो कड़वा था। ये प्यार दिखाता है एक फैमिली का, एक देवरानी और जेठानी के बीच का प्यार दिखाता है और एक सो बहू रानी और सासू माँ के बीच का प्यार दिखाता है, सो आई थिंक इट्स अ फैमिली बॉन्ड। जी मैंने सीन में भी वही कहा है, तो बेसिकली ये पहल करती हैं कि नहीं नहीं आज हमारा मन नहीं था टेस्टी वाला जूस पीने का, आज हमारा गाजर पीने का, थोड़ा डिफरेंट पीने का मन था, हम बोर हो गए थे उससे, तो मैंने कहा साथ देती हूं। ऐसी है जो रागिनी का हमेशा साथ देती है, हर मोड़ पे साथ देती है उसका, चाहे जूस कड़वा हो या मीठा हो, और कोई भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है घर में तो रागिनी, और रागिनी सबसे पहले जाके एक सृष्टि को ही बताती है, और सृष्टि रागिनी ऐसे दो मतलब है इस कैरेक्टर इस सीरियल के जो कभी मतलब ऐसे स्टार्ट में ऐसा था कि वो दोनों कभी एक दूसरे की तरफ मतलब बात भी नहीं कर रहे थे, और जब एक फैमिली के बीच में आए तो एक फैमिली को संभालने के चक्कर में वो दोनों जो संभल गए तो वो एक बॉन्ड है। तो चाहे कड़वा जूस हो या मीठा जूस हो, या चाहे कड़वा सिचुएशन हो या मीठा सिचुएशन हो, आई थिंक बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में दोनों में सृष्टि रागिनी का साथ देती है और रागिनी सृष्टि का साथ देती है। यस हम निकालेंगे मिलके, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया पार्टनर है, हम साथ में मिलके निकालेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और डेफिनेटली अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है और जोश है तो डेफिनेटली हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, और जैसे कि बोला जाता है नेवर गिव अप तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी लगे रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।